हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही इजी है और सिर्फ घर के ही सामानों से बन जाने वाला है। इसमें ना ही मैंने कोई बेकिंग सोडा यूज़ किया है, ना ही बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, और ये बच्चों का फेवरेट होने वाला है। प्लीज़ आप उनको उनके लंच बॉक्स में पैक कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी दे सकते हैं, और एक बार इसके खाने की आदत पड़ गई तो फिर तो वो बाहर के कुकीज़ खाना ही भूल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनता है ये। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 50 ग्राम बटर है, अनसॉल्टेड बटर है। इसको हम थोड़ा सा विप कर लेते हैं। अगर आपको इसको विप करने में प्रॉब्लम आती है तो आप 10 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव कर लीजिए, तो फिर ये इजीली विप हो जाएगा। हम तब तक फेंटेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि पूरा बटर हमारा अच्छी तरीके से फ्लफी हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी है ये। अब चीनी और बटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार ये प्रॉपर अच्छे से मिक्स होकर फ्लफी हो जाए तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। ये रेसिपी बच्चों को पसंद आने वाली है और फिर वो तो रोज़ ही डिमांड करेंगे आपसे बनाने के लिए। तो बटर और चीनी आपस में अच्छे से मिक्स हो गया, फ्लफी हो गया, तो उसमें मैंने डाल दिया अब 1 कटोरी मैदा और 3 बड़े चम्मच है ये कोकोआ पाउडर। अब इसमें मैं आधा कटोरी दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमको इसको बिल्कुल एक केक के बैटर की तरह ही बनाना है, इसलिए हम दूध इसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे ताकि एक तो लम्स भी ना बने और हमारा बैटर बहुत ज़्यादा गीला ना हो जाए। तो जो केक की कंसिस्टेंसी होती है उसे थोड़ा सा थिक होना चाहिए ये बैटर। आप देख सकते हैं कि ये बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, देखने में कितना ही चॉकलेटी सा लग रहा है। अब मैं ले लेती हूँ एक पाइपिंग बैग, उसमें आप नोजल अपने डिज़ाइन का लगा सकते हैं। अभी सारे बैटर को हम पाइपिंग बैग में भर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को स्किप ना किया करें, फुल वॉच किया करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब मैंने ले लिया एक बेकिंग ट्रे, उसमें मैंने डाल लिया बटर पेपर। अब मैं सिंपल सा एग्स को राउंड शेप देके मैं सारे कुकीज़ तैयार कर लूँगी। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी नोजल आप उसमें फिट कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसे डिज़ाइन बनानी है। मैं सिंपल सा बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि सारा राउंड शेप के कुकीज़ मेरे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको थोड़े चॉकलेटी गोल्डन पॉल से गार्निश कर देती हूँ। आप चाहे तो कैसे भी गार्निश कर सकते हैं। अब मैं इसको 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। आप चाहे तो इसको पैन में भी कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सारी कुकीज़ रेडी हो चुकी है, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्टनेस। एक बार ये मुंह में गया ना तो बिल्कुल माउथ डिजॉल्विंग ये कुकीज़ बनता है। ये खाने में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट लेकर आता है और इसमें कोई भी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे घर में पड़े होते हैं, हम आसानी से इस कुकीज़ को बना सकते हैं और बच्चों को सर्व कर सकते हैं। बाहर से कोई भी कुकीज़ लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी है। तो रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, मेरे चैनल को फुल वॉच करें। ईट हेल्दी, कीप हेल्दी, हैप्पी कुकिंग।